एक बैलगाड़ी में कुल्हड़ी लद के जा रही थी। कुल्हड़ी बनी थी किसी कारखाने में, कुल्हड़ी जानते हैं ना, पेड़ काटने वाली। तो पूरा बैलगाड़ी लदी हुई थी, बैल उसको खींचते जा रहे थे। तो एक बड़ा बूढ़ा पीपल था, वो देख के रोने लग गया जंगल का। उस पीपल को रोते देख करके बड़े बूढ़े सेमर ने कहा, भैया काय को रो रहे? अरे रोईवी की तो बात ही है, देख बैलगाड़ी में कहा लदे जा रहे हो, कुल्हड़ी है और क्या है। कहे ने, कुल्हड़ियों से हमको कोई भय नहीं है, ये हजार गाड़ी भी लद के चली जाए तो भी इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब तक इस कुल्हड़ी में हमारी जाति बिरादरी का कोई बेट बन के नहीं लगेगा, तब तक हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा नाश तो हमारे ही द्वारा होगा। जब तक कुल्हड़ी में बेट न लग जाए लकड़ी का, तब तक वो काम नहीं करती। तो संडामर्क बोले, अब समझ में आया, विष्णु तो है कुल्हड़ी और दैत्यों का कुल है चंदनबन, और ये कुल्हड़ी का बेट बन गया है प्रहलाद। ऐसे तो विष्णु की दाल गल नहीं रही थी बेचारे की, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था दैत्यों का। अब वो प्रहलाद जी, वो कुल्हड़ी है, ये बेट बन गया, अब दैत्यों का खतरा हो गया। लेकिन खबरदार, मैं बेट का ही अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, नहीं रहने दूंगा बेट को। खूब डांट डपट किया प्रहलाद जी को, बहुत फटकारा। अब प्रहलाद जी की एक विशेषता थी, कितना डांटो फटकारो चुपचाप शांत बने रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गुरु जी ने सोचा कि बच्चा है, अब सुधर जाएगा। कुछ दिन और पढ़ाया, पढ़ने में तो तेज थे, जो गुरु जी पढ़ाते वो कंठस्थ कर लेते, जब गुरु जी कहते पाठ सुनाओ तो सुना भी देते। अब सोचे, अब तो पुराना वाला पाठ भूल गया होगा। संडामर्क प्रहलाद जी को राजमहल में ले गए, माता कयाधु से कहा कि इस बालक का बढ़िया से श्रृंगार कर दो, समझा बुझा दो, इस बार पिताजी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कुछ बतावे। माता ने खूब बढ़िया से श्रृंगार किया था प्रहलाद जी का, और बड़े प्रेम से समझा के बुझा के भेजा था कि बेटा अब ऐसा कोई व्यवहार मत करना कि तुम्हारे पिताजी को क्रोध करे, क्रोध आवे, तुम्हारे गुरुजी को पीड़ा हो। अब ठीक से जाओ, जो कुछ पिताजी पूछें ठीक से उत्तर देना। माता ने समझा बुझा के भेजा, और अब फिर प्रहलाद जी गए। तो प्रहलाद जी जो है, जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने सजे धजे प्रहलाद जी, बहुत सुंदर हैं प्रहलाद जी, बहुत सुंदर, ऐसे लगता साक्षात बालक रूप में भगवान आ गए हों। देख करके उसका मन दया से भराया, वात्सल्य से भराया, और उसने लपक कर प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। और महाराज जी, विचित्र बात है, हिरण्यकश्यपु के शरीर में रोमांच हो गया, उसका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। अब बताओ, अशुद्ध आहार विहार वाले राक्षस राज के हृदय में इन पवित्र प्रेम के लक्षणों का उदय कैसे हो गया? उसका साधन तो कोई है नहीं, फिर ये प्रेम के, विशुद्ध प्रेम के लक्षण उसमें कैसे प्रकट हो गए? यह है बाबा संत के स्पर्श की महिमा। प्रहलाद जी जैसे महाभागवत गोद में बैठ गए, प्रहलाद जी का स्पर्श हो गया, तो प्रहलाद जी के स्पर्श से उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। भगवान का भक्त चाहे सिर छू दे और चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श ही हो जाए उससे भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेमी का वस्त्र छू जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए, वो ये तो कोई प्रेमी। आपने दर्शन किया होगा संत श्री गोपालाचार्य जी का, अयोध्या वाले, बहुत अच्छी कथा कहते थे और ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाते थे।
एक बार वे अयोध्या में कथा कह रहे थे कि प्रेमी महापुरुष का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। अरे उनके श्रीअंग से छुए हुए कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। तो सुनने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा आप महात्मा लोग इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कह देते हो, हमारी समझ ऐसे भी होता है कि प्रेम इतनी सस्ती चीज है कि छू देने से जग जाए, कपड़ा छू देने से जग जाए, ये सब बड़ी चढ़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। मैं पंडित हूँ, शास्त्रों का विद्वान हूँ, कथा भी कहता हूँ, लेकिन बोले मेरे मेरा हृदय इतना कठोर है, मेरे आँख में अब तक आंसू नहीं आया। तो हमारी समझ में तो नहीं आता कि ऐसा भी कोई महात्मा होता होगा जिसके छूने से प्रेम जग जाए, जिसका कपड़ा छू जाए तो प्रेम जग जाए। आपकी दृष्टि में है कोई ऐसे? बोले हाँ है। कौन है? तो उस समय अयोध्या में श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हैं, हम विश्वास करते उनमें ऐसी सामर्थ्य है, और चलो दिखाओ। तो उन विद्वान को लेकर श्री गोपालाचार्य जी महाराज हर्षण कुंज पहुंचे और महाराज जी के कक्ष में तो कोई ना कोई भगवत चर्चा ही होती रहती थी। महाराज बैठे थे, श्री रामहर्षण दास जी महाराज चरण नीचे लटकाए हुए थे और उनके पैर में कोई चरण में कुछ स्निग्ध कुछ तेल लगा रहे थे कोई प्रेमी। श्री गोपालाचार्य जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कुछ ठाकुर लाल जी की कुछ चर्चा सुनाओ। तो श्री गोपालाचार्य जी सुनाने लगे और सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बहती ही रहती थी, वो रो रहे थे। इसी बीच में श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन्हीं पंडित जी के कंधे पर एक गमछा था, उन्होंने कंधे से उतार के अपनी गोद में रख लिया था, उसी गमछे को उन्होंने धीरे से खिसका करके श्री रामहर्षण दास जी के चरणों में छुपा दिया थोड़ी देर के लिए। अब वो तो सुन रहे थे, उनको ध्यान नहीं था, थोड़ी देर चरणों में स्पर्श हुआ, फिर उन्होंने धीरे से उठा करके उस गमछे वो कथा भी कह रहे हैं उस गमछे को उठा करके और फिर उन पंडित जी की गोद में रख दिया। गोद में रखते ही जैसे कोई 444 वोल्ट खतरा होता ना, ऐसे ही महाराज वो कपड़ा गोद में पड़ते ही उनके अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव उनमें जग गए तुरंत तत्काल। अब ये श्री गोपालाचार्य जी महाराज की सामर्थ्य कहो, अब महाराज जी का तो दिव्य प्रभाव था ही, एक संत का संकल्प ऐसी अद्भुत बात। प्रहलाद जी के स्पर्श के कारण प्रेम प्रकट हो गया। आह,